हिमाचल के ज्वाली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। यह जयंती कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्राम गृह ज्वाली में मनाई गई। इस दौरान गांधी और शास्त्री को प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके उपरांत विश्राम गृह से लेकर मिनी सचिवालय तक कृषि विधेयक के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा पार्टी मुर्दाबाद, मोदी की सरकार को भेजो हरिद्वार तथा किसान विरोधी नरेंद्र मोदी काला कानून वापस लो के नारे जोरों शोरों के साथ लगाए गए। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार किसान व गरीब विरोधी है। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की भागदौड़ संभाली है तब से लेकर देश को बचाने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया गया है, जीडीपी शून्य से भी नीचे है, अब कृषि विधेयक लाकर किसानों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसान का सम्मान बढ़ाया, लेकिन मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए किसानों के लिए काला कानून पास कर दिया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर भी भाजपा को जमकर को। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को यूपी सरकार द्वारा हाथरस में पीड़ित लड़के के परिजनों से मिलने से रोकना प्रजातंत्र की सरेआम हत्या है। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।